नमस्कार जुहार, छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रही हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीट बदल बदल कर चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी, संजय बोले क्या रायबरेली में पेश करेंगे भूपेश मॉडल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रायबरेली चुनाव प्रचार को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वादों के आधार पर प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बनी थी, लेकिन राज्य की जनता के साथ धोखाधड़ी की गई। इसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार के रूप में भुगतना पड़ा। भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौरे पर बघेल सीनियर ऑब्जर्वर बनने के बाद पहली बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। AICC के द्वारा पूर्व CM भूपेश बघेल को रायबरेली के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाने के बाद बघेल एक के बाद एक आज से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद रायबरेली की चुनावी गतिविधियों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का उड़ीसा का दौरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव बोले उड़ीसा में परिवर्तन की लहर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में पत्रकारों से कहा है कि उड़ीसा में परिवर्तन की लहर है। प्रदेश की नवीन पटनायक सरकार ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, 24 साल के शासनकाल में राज्य की हालत खराब कर दिया है। मंत्री व विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चुनाव में इसकी चर्चा है, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। राज्य में विकल्प के रूप में एकमात्र भाजपा है, लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हुआ है, इसी तरह उड़ीसा में भी परिवर्तन की लहर है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव का विपक्ष पर कटाक्ष, कहा कांग्रेस ने नक्सलवाद को पाला पोसा। छत्तीसगढ़ में कुछ समय से लगातार सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान मुठभेड़ की खबरों के हवाले कांग्रेस ने मारे गए नक्सलियों को ग्रामीण बता रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप पर राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। रविवार को अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सेना और सुरक्षा बलों के कामों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आदि हो चुकी है। डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में नक्सलवाद को पाला पोसा है। BJD और कांग्रेस है आदिवासी विरोधी, उड़ीसा में बोले छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उड़ीसा में 2 सभाएं ली। यहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, लेकिन 5 साल के लिए कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा मिला, लेकिन अब फिर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है, जिसके कारण प्रदेश में द्रुत गति से विकास हो रहा है। इसी तरह के विकास के लिए उड़ीसा में भी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। साय ने कहा कि यहां 24 वर्षों से नवीन पटनायक की सरकार है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि वो यहां से किसान मजदूर गरीबों की भावनाओं को समझने में विफल रहे हैं। शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी, अब छत्तीसगढ़ सरकार देने जा रही है ये सुविधाओं को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों की चर्चा हमेशा होती रहती है। यहां पर नेताओं के द्वारा भी शराब को लेकर कई तरह के बयान भी दिए जाते हैं। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार शराब प्रेमियों का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इसको लेकर आबकारी विभाग ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की हैं। इसके साथ ही आई अपडेट भी जारी किए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही नई शराब दुकानें खुलने वाली हैं, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा आबकारी विभाग ने 457 अहातों को मंजूरी दे दी है। केंद्र में नई सरकार के साथ छत्तीसगढ़ में बनेंगे 2 नए मंत्री। छत्तीसगढ़ की में लोकसभा चुनाव के बाद बड़े फेरबदल की आशंका है। भाजपा सरकार में 13वें मंत्री का एक पद पहले से ही खाली है। ब्रजमोहन अग्रवाल अगर सांसद बने तो एक पद और खाली हो जाएगा। इस तरह 2 खाली पदों के अलावा 2-3 मंत्रियों के बदले जाने की बात भी सामने आ रही है। पहली बार भाजपा ने लोकसभा की 11 सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा और इनकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों राजेश मूणत, अमर अग्रवाल और अजय चंद्राकर को दी गई है। छत्तीसगढ़ फतह की तैयारी में बीजेपी को 4 सीटों पर खतरा, कांग्रेस को बढ़त की उम्मीद। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शोर थम गया है। यहां 3 चरण में सभी 11 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद सीटों के चुनावी परिणाम की गणित पर चर्चा होने लगी है। वहीं कांग्रेस की समीक्षा में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार ज्यादा सीटें आने की उम्मीद है। बता दें कि देश में 7 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 4 जून को देश भर की सभी सीटों पर नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार है।
पुलिस बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में होगी 1500 से अधिक पदों पर भर्ती। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जल्द ही 1500 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। आचार संहिता के हटते ही इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये भर्तियां कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के पदों पर की जाएगी। दरअसल प्रदेश में नई सरकार के बनते ही साइबर क्राइम और बढ़ रहे अपराधों को रोकने के लिए फिर से क्राइम ब्रांच का गठन को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में नए थाने के साथ साइबर क्राइम कार्यालय भी खोले गए और कई जिलों में आगे भी खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग का पूरा फोकस राज्य में साइबर क्राइम को कम करना है। महादेव सट्टा ऐप में बड़ा खुलासा, 200 बैंक खातों से हो रहा था पैसों का लेन देन। ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव के बैंक अकाउंट से 3 करोड़ रुपए और एक महंगी एसयूवी को सीज कर लिया है। जांच एजेंसी ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि पूछताछ और मोबाइल की जांच के दौरान 200 बैंक खातों का संचालन करने की जानकारी मिली है। वहीं इन खातों से हुए ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटाई जा रही है। मोबाइल में कोलकाता से लेकर श्रीलंका तक महादेव बुक ऐप का 20 पैनल चलाने के इनपुट मिले हैं। चावल पहली बार हुआ इतना महंगा, 12 रुपए तक बढ़े सामान्य चावल के दाम। छत्तीसगढ़ में धान की कीमत बढ़ने की वजह से खुले बाजार में चावल महंगा होता जा रहा है। दिसंबर तक सामान्य चावल की कीमत 50 रुपए किलो से कम थी, लेकिन जनवरी 2024 से चावल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। मिडिल क्लास परिवारों में उपयोग में आने वाला कोई भी चावल अभी बाजार में 40 से 50 रुपए किलो में नहीं मिल रहा है। बेहतर क्वालिटी का चावल 60 से 65 रुपए किलो में मिल रहा है। अप्रैल से मई तक चावल की कीमत 10 से 12 रुपए किलो तक बढ़ गई है। अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में येलो और ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में अंधड़ और बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। पिछले एक सप्ताह में छत्तीसगढ़ में तेज गर्मी के साथ अंधड़ और बारिश का भी मौसम दिखा, वहीं कहीं बादल छाए हुए दिखे। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई तक इसी तरह का मौसम रहने का आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद 2 से 3 डिग्री का गिरावट होगी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नए चुनाव नियम का विरोध, पूर्व अध्यक्ष सुंदरानी का आरोप, चुपके से किया गया बदलाव। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी और उनके साथियों पर पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के गुट ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला चुनाव लड़ने की पात्रता से जुड़ा हुआ है। चुपके से नियम बदलने की शिकायत करते हुए सुंदरानी ने अमर परवानी से 7 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने मामले को लेकर अदालत जाने तक का अल्टीमेटम दे दिया है। दूसरी तरफ चैम्बर की ओर से इस मामले को लेकर कहा गया है कि सुंदरानी सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। रायपुर में 6 टंकियों से नहीं होगी पानी सप्लाई, 15 मई को 50,000 लोग होंगे प्रभावित। रायपुर में 15 मई की शाम शहर की 6 टंकियों से पानी सप्लाई नहीं होगी। भाटा गांव स्थित 47.5 MLT क्षमता के फिल्टर प्लांट के पुराने प्लांट की रॉ वाटर पाइपलाइन को नई 80 MLD रॉ वाटर पाइपलाइन से इंटरकनेक्शन का काम किया जाना है। इसके कारण सुबह पानी सप्लाई की जाएगी, इसके बाद शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। निगम अधिकारियों ने बताया कि काम के दौरान 10 घंटे का शटडाउन रहेगा। दिल्ली एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी, छानबीन जारी। दिल्ली के स्कूलों के बाद IGI एयरपोर्ट समेत 2 बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एयरपोर्ट व अस्पतालों को एक ही ईमेल ID से धमकी भरा मेल मिला है। पुलिस ने बुराड़ी स्थित सरकारी अस्पताल और मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में घेराबंदी की है। साथ ही मौके पर एंटी बम स्क्वाड और फायर सर्विस की टीम छानबीन कर रही है। IGI एयरपोर्ट पर भी तफ्तीश जारी है, अभी तक कुछ मिलने की खबर नहीं है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।